इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो हैं ओवर एज हो गए। सारे लोग ये पक्ष करता है कि मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए, नहीं मिल रहे नौकरी के लिए कुछ इंतजाम करो, उसके तरफ ध्यान नहीं है। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो गई है, अब सिर्फ 3 चरण बाकी हैं। राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार अभियान कहें कि तेज कर दिया है। बीजेपी नेताओं की बात करें तो 400 सीट लाने का दावा मिशन की तरह काम कर रहा है। हालांकि इस आंकड़े के पीछे की वजह पर अलग अलग विचार हैं और अलग अलग दृष्टिकोण भी हैं, लेकिन बीजेपी के 400 सीट के टारगेट को समझाने वाले नई शख्सियत के रूप में अगर कोई उभरा है तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। हमें 400 सीट क्यों चाहिए? लास्ट टाइम हमारा साथ 300 सीट था, हमने क्या किया? हमने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया, किया कि नहीं किया? किया ना, 100% किया ना। अगर 300 सीट में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो 400 सीट में कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाना है कि नहीं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाना है ना? हिंदुस्तान में मुद्दे की कमी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। रोजगार के मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उसके लिए कहीं बातें नहीं होती हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी एक नया बयान दिया है कि पाकिस्तान के लोगों से जाकर के पूछिए कि वहां महंगाई का आलम क्या है, हिंदुस्तान में महंगाई खत्म हो गई है ऐसा लग रहा है। उनके अगर भाषण को आप सुनेंगे, मैं वो भाषण भी आपको सुनवाऊंगा, अभी उनका ताजा बयान आया है। पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी से उभरे हैं, और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है, ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो, जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। इस 5वें चरण के चुनाव की जो तैयारी हो रही है वो अब आ गया है पाकिस्तान की तरफ, वो चला गया है मंदिर की तरफ, वो चला गया है मस्जिद की तरफ और ईदगाह की तरफ, फिर वही बीजेपी लौटती हुई दिखाई दे रही है। 4थे चरण तक इससे लोग बचते हुए दिख रहे थे, कमोबेश बोलते हुए उस पर नजर आ रहे थे, लेकिन जो अभी छवि है, जो तस्वीर सामने आ रही है, जो लोगों के बयान आ रहे हैं वो अब खुलकर आने लगे हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी कहती है कि 400 पार का टारगेट है और 400 पार हुआ तो बहुत कुछ बदलेगा, अब तो ये खुल करके दावा भी करने लगे हैं कि क्या होगा। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना के दिया था, एक तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था अयोध्या में, औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाया था। आज अभी समय आया कि नहीं ईदगाह का जगह में वहां में भी भव्य मंदिर बनाने का समय आया है कि नहीं, आप लोग बताइए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कृष्ण जन्मभूमि बनाना चाहिए ना, ज्ञान बापी मस्जिद का जगह में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कांग्रेसी लोग सुन लो, 300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञान बापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, विपक्षी पार्टी को देखें, छोटे दलों की पार्टी को देखें, अगर राजद को देखते हैं तो तेजस्वी यादव कहते नजर आते हैं रोजगार की बातें, लोगों को बेरोजगारी सता रही है, लोगों को महंगाई सता रही है। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो हैं ओवर एज हो गए, यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार, यानी 25 करोड़ जो ओवर एज हुए हैं
उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने रायबरेली में क्या कहा, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, खाने के लिए कुछ इंतजाम करो, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के लिए कुछ इंतजाम करो, उसके तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान सिर्फ उनका सत्ता के ऊपर है। जो सत्ता सोनिया गांधी ने ठुकरा दी थी उस सत्य पे इसका आंखें हैं। और ऐसे लोगों को फिर अगर कोई वापस लाने की कोशिश किया तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ धोखा है। आप धोखा कर रहे हैं। अगर गलती से भी अगर कोई बीजेपी को वोट डालेगा तो वो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ डालेगा, वो आदिवासी के खिलाफ डालेगा और बैकवर्ड के खिलाफ जाएगा। अपर कास्ट भी है तो गरीबों के खिलाफ।